सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं दिनेश लाल यादव निरहुआ और आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर जनता की आवाज। आपका कैमरा आया था, बनने दीजिए, रुक जाइए रुक जाइए, और आप पीछे चल जाइए। ये जीत जो है सो कुरहन्नी के मतदाता मालिकों का जीत है और बड़ी कर संघर्ष के साथ ये धन बल और जन बल की लड़ाई थी जिसमें धन बल हार गई है और जन बल जीत गया है। अनिल बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाइट ले रहे हैं तो ये बताइए कि कुछ समस्या आई थी आपको काउंटिंग में? समस्या जानते ही हैं कि किस प्रकार से समस्या उत्पन्न करने वाला सरकार केंद्र में और बिहार में था, जिसका भी पतन जो है सो आज जो है सो बिहार की जनता ने कर दी है। रिकाउंटिंग को लेकर के भी बात आ रही है कि अभी जो पूर्व विधायक जी बता रहे हैं कि वो गड़बड़ी हुई है। सारा क्लियर सामने हो गया, कहाँ एलाइए तो प्रमाण पत्र मिल गया मुझे। पहले काउंटिंग में क्या परेशानी आई थी जो रिकाउंटिंग होना? हम कहा रिकाउंटिंग लेकर कर रहे हैं, और जो हारा है वो रिकाउंटिंग के लिए कर रहा है। अगर उसको ज्यादा परेशानी है तो कोर्ट में जाए। अच्छा अनिल जी बताइए, कुरहन्नी में क्या प्राथमिकता होगी आपका विकास के लिए? कुरहन्नी में मेरी प्राथमिकता होगी जो 15 सालों में जो उपेक्षित रहा है, शोषित, दलित, स्वर्ण गरीब, अत्यंत पिछड़ा और सभी लोगों का, हम सभी A to Z के लेकर चलने वाला मेरा पार्टी तेजस्वी यादव जी है और उनके साथ मिलकर हम जो है सो कुरहन्नी का विकास करेंगे और बिहार में मजबूती लाएंगे। बिहार की सरकार गठन करने के लिए कुछ आप बोल सकते हैं? बिहार में मेरी सरकार बन रही है, आपको शायद कितना तक अभी तक आए, हम तो अंदर थे, पूरा पता नहीं है, मगर कुछ लोग बोले हैं कि हमारा सरकार बन रहा है और सब तक शो कर रहा है। 135 तक आ गया था, स्पष्ट बहुमत में हम लोग आ गए हैं और तेजस्वी जी इस सबसे कम उम्र के युवा नेता और हम लोगों के चहेते मैं तेजस्वी, मैं बिहार, तेजस्वी जिंदाबाद।